साल 2022 के शुरू होने के जश्न अभी चल ही रहा था कि मां वैष्णो देवी मंदिर से एक बुरी खबर आ गई। ऐसी खबर जिसने सबको हिलाकर रख दिया। साल के पहले दिन जम्मू कश्मीर के कटरा स्थित मां वैष्णो देवी मंदिर में भीषण हादसा हो गया। नए साल के मौके पर देवी मंदिर में भगदड़ मचने से 12 लोगों की मौत हो गई, वहीं 14 लोग घायल बताए जा रहे हैं। यह हादसा रात 1:30 बजे से 2 बजे के बीच हुआ। राहत और बचाव का कार्य जारी है। बीती रात नए साल के मौके पर मां के दरबार में माथा टेकने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। जानकारी के मुताबिक जैसे ही रात 12 बजे लोग जोर जोर से जयकारा लगाने लगे, इसी दौरान धक्का मुक्की शुरू हो गई और भगदड़ मच गई। सोशल मीडिया पर भगदड़ के कुछ वीडियो जारी हुए। इनमें दावा किया जा रहा है कि नए साल के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंचे, इसी दौरान भगदड़ मच गई। मची भगदड़ में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सर, स्टैम्पेड हुआ है। सर, स्टैम्पेड इसलिए हुआ क्योंकि लोग इतने ज़्यादा थे, रास्ता था नहीं। हर तरफ से आदमी सोचा था कि मैं निकल जाऊँ। जिसने दर्शन कर लिया वो भी सोचा था मैं पहले निकल जाऊँ, और जिसने दर्शन नहीं किया तो सोचा मैं पहले जाके दर्शन कर लूँ। आप दर्शन कर पाए? नहीं कर पाए सर, हम नहीं कर पाए, बहुत रश था, नहीं कर पाए। श्राइन बोर्ड की तरफ से ऐसा कुछ नहीं रखा गया कि यात्रा की लिमिट हो या सर बढ़ रहा है? मेरे ख्याल से वो नहीं हुआ, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक हुई है मेरे ख्याल से। या तो उसको ज्यूम नहीं कर पाए, या तो लोग वहाँ जाके स्टे कर लिया, लोगों ने वापस आ जाएंगे, बट ये हो सकता है लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए, उन्होंने दर्शन करके वहीं पे रुक गए, तो वहाँ पे पूरा मास गैदरिंग हो गई, तो लोगों को जगह नहीं मिली। अब वो थोड़ी सी जगह में जो आ रहे थे जा रहे थे उसी के हिसाब से मैनेज कर रहे थे सर वो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है, साथ ही मारे गए लोगों के परिजनों को सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान भी किया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने ऐलान किया है कि कटरा में माता वैष्णो देवी भवन में भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों को 10 लाख रुपए और घायलों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। उपराज्यपाल ने बताया कि मैंने गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की है और उन्हें इस घटना की जानकारी दी है। इस मामले में उच्च स्तरीय जाँच कराई जाएगी। इस जाँच कमेटी का नेतृत्व मुख्य सचिव करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर इस हादसे को लेकर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा, माता वैष्णो देवी धाम में हुए दुर्भाग्यपूर्ण हादसे से मन अत्यंत व्यथित है। मां आदि शक्ति हादसे में दिवंगत हुए लोगों की आत्माओं को शांति व दुर्घटना में घायल हुए लोगों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने की कृपा करें। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ है। ओम शांति। जानकारी के लिए बता दें कि कोरोना काल से पहले साल 2017 में लगभग 82 लाख भक्तों ने माता वैष्णो देवी के दर्शन किए, साल 2018 में 85,86,541 और साल 2019 में 79,40,064 यात्री माता के दर्शन करने पहुंचे थे। गौरतलब है कि साल 2011 और साल 2012 में भक्तों की संख्या 1 करोड़ का भी आंकड़ा पार कर चुकी है। अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई बयान नहीं आया है।